ओके दोस्तों, तो यहाँ पे व्हाट्सएप आप थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पब्लिक ने व्हाट्सएप की वाकई में लगा दी है। जब से व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी अपडेट आई है और लोगों को गए काफी अपनी रिस्क लग रहा है अपनी प्राइवेसी को खोने का, काफी लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप की पॉलिसी को अग्री नहीं किया है और बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इस समय पे सिग्नल और टेलीग्राम को अपना लिया है। यही कारण है कि इस समय पे सिग्नल इस समय पे सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशन की लिस्ट में टॉप पे है। तो इससे व्हाट्सएप को काफी हद तक साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा और हो सकता है कि व्हाट्सएप अपनी जो मोनोपोली है वो खो देगा। तो यहाँ पे अब व्हाट्सएप थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जब दुनिया में इसकी किरकिरी इतनी ज्यादा होने लगी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने अपनी जो सेवा शर्त है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं और उनको एग्री करने की तारीख अब 3 महीने के लिए टाल दी है। तो इसका मतलब ये है कि जिन भी लोगों ने व्हाट्सएप की नई शर्तों को अग्री नहीं किया है उनके अकाउंट 8 फरवरी को डिलीट नहीं होंगे। जैसा कि व्हाट्सएप पहले बोल रहा था कि भाई एग्री कर दो नहीं तो हम आपके अकाउंट डिलीट कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अब व्हाट्सएप के यूजर के पास 3 महीने का समय और है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को समझने के लिए। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बता दिया है कि किसी के भी अकाउंट 8 फरवरी को डिलीट नहीं होंगे। व्हाट्सएप अब 3 महीने का समय और देगा ताकि यूजर्स अच्छी तरीके से पढ़ सके, समझ सके और किसी भी प्रकार की दुविधाएं या फिर अफवाहों में ना रहे। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक ने कंपेल कर दिया है व्हाट्सएप को कि भाई अपना जो है ये निर्णय है प्राइवेसी पॉलिसी का पीछे ले लो, क्योंकि ऑप्शन टेलीग्राम और सिग्नल का अब इस समय पे लोगों के पास है और काफी हद तक व्हाट्सएप की तरह ही सिमिलर है। कुछ फंक्शंस नहीं है जैसे कि स्टेटस का फंक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह के फीचर्स को एड ऑन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। साथ ही में व्हाट्सएप कंपनी ने यह भी एक सफाई दी है और कहा है कि फेसबुक या फिर किसी भी अन्य कंपनी के साथ में यूजर का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। और जैसे कि पहले ही व्हाट्सएप कहता हुआ आया और हमें मालूम भी है कि जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं या फिर हमारी जो वीडियो मैसेजेस होते हैं या फिर कॉल मैसेजेस होते हैं इनमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहता है और ये कहीं से भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। इवन व्हाट्सएप भी इनको पढ़ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के कारण एकदम फ्री फंड में सिग्नल और टेलीग्राम की बहुत ही बढ़िया पब्लिसिटी हुई और ये दोनों एप्लीकेशनों को बहुत बढ़िया यूजर बेस मिला है। टेलीग्राम ने अपने 2.5 करोड़ नए यूजर्स जोड़ लिए हैं और कुल मिला के अब टेलीग्राम के पास 500 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हो चुके हैं। तो ये सब चीजें देख के व्हाट्सएप भी घबरा रहा है, फेसबुक भी घबरा रहा है और अपनी पॉलिसी से पीछे हट रहा है, जो कि जरूरी भी है और सही भी है। अब व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है और क्यों ये सब कुछ बवाल हुआ है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है, क्यों इतनी बवाल हो रहा है, टेलीग्राम और सिग्नल को क्यों यूज़ करना चाहिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अपने, और टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।